हेलो फ्रेंड, मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो पे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। दोस्तों, सपोज दैट मान लो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया है, कहीं चोरी हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस केस में आप लोग दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस नया कैसे डाउनलोड करोगे? मतलब आपका जो पुराना लाइसेंस था, उसी पुराना लाइसेंस को आप अपने दोबारा से उसी एड्रेस पे कैसे मंगवा सकते हो? तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो खो गया उसी ड्राइविंग लाइसेंस को नया कैसे एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब कोई वेबसाइट के थ्रू नया मंगवा सकते हो। तो दोस्तों, मेरे ये चैनल पे आप बने रहे, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आता रहता हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लगाए हुए मैं आप लोगों को समझाता हूँ और आपको साइट पे लेकर चलता हूँ, और वहां पर मैं सारा प्रोसेस समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके कि कैसे आप अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस खो गया था उसको आप नया डाउनलोड कर सकते हो, मंगवा सकते हो बाय पोस्ट अपने एड्रेस पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं अब स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप लोगों को परिवहन सेवा .gov.in पे आना, उसके बाद ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां से आप लोगों को अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये स्किप आपको कर देना। स्किप करने के बाद अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको भरना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भर देना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद दोस्तों प्रोसीड पे जैसे क्लिक करोगे, दोस्तों आप पहले से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हुए तो आपका जितना भी डिटेल्स होगा ऑलरेडी पहले से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत आपसे पूछ रहा, तो सही है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहां से आप अपना फोन नंबर भर लीजिएगा। फोन नंबर भरने के बाद एक ईमेल आईडी आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो ये जो एड्रेस है वो ऑलरेडी आपके मतलब ये साइट के ऊपर शो करेगा, क्योंकि आपका पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है। तो दोस्तों आपको कुछ ने स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, तो मैं अब स्क्रॉल डाउन करता हूं और सेव एज द परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहां पर दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको रिप्लेसमेंट ऑफ डीएल पे क्लिक करना है। जैसे आप करोगे दोस्तों तो एक प्रोसीड का ऑप्शन है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। आंसर देने के बाद दोस्तों ये सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो ये फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड को आपको भर लेना, भरने के बाद सबमिट कर देना। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो कि ये फॉर्म जो था मेरा भरा गया। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आप लोगों को एक पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करते हो तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऑप्शन पूछ रहा, तो दोस्तों आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जैसे जैसे पूछ रहा, और यहाँ से आपको अपना एक मतलब फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो भी यहाँ पर पूछ रहा। उसके बाद दोस्तों आप प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कि ये पेमेंट का ऑप्शन पे आ गया है। तो दोस्तों पेमेंट के लिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो पेमेंट दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मेरा 400 का पेमेंट करने को बोल रहा है। तो आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपका कम भी लग सकता है, और कोई बड़ा स्टेट में रहते हैं तो उसका ज्यादा भी लग सकता है। तो दोस्तों पे नाउ पे उसके बाद आपको क्लिक करना है। सब यहाँ पर डिटेल्स भर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड्स टू पेमेंट पे क्लिक करिएगा, तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन देखने को आप लोगों को मिला हुआ, मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल रहा है किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो। तो दोस्तों जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अब पेमेंट करता हूँ। पेमेंट करने के बाद का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ, तब तक के लिए दोस्तों बने रहे वीडियो पर। पेमेंट होने के बाद दोस्तों आप जैसे पेमेंट हो जाएगा, ये मतलब जो भी स्लिप है, जो पेमेंट का स्लिप है, रिसिप्ट मतलब जिसको बोलते हैं पेमेंट का, उसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहीं से दोस्तों आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ये जो स्लिप था प्रिंट आउट में कर लिया हूं। प्रिंट आउट करने के बाद दोस्तों आप ये फोन में मतलब पीडीएफ निकाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों दोबारा से साइट पे आना और अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहां से देख सकते हो जो तीसरा ऑप्शन है होम के बगल में सिलेक्ट करना और तीसरा ऑप्शन पे आना है। उसके बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है, तो ये सब डिटेल्स जो भी है दोस्तों आपका रिसिप्ट के ऊपर ऑलरेडी होगा, तो वहां से देख के आप भर लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करिएगा।
तो देख सकते हो दोस्तों अपॉइंटमेंट कब कब, जो ग्रीन वाले वो अपॉइंटमेंट खाली है और जो ब्लैक वाले वो ऑलरेडी बुक है। तो आप लोगों को कोई भी एक ग्रीन वाले अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहां से टाइम सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम और डेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है, आरटीओ ऑफिस में आप ये जो प्रिंट आउट निकाले थे ये पेमेंट का आपको लेकर जाना है, और एक आईडी प्रूफ अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा वहां पर, उससे आपका वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद बाय पोस्ट आपके घर के एड्रेस पे दोबारा से आपका ड्राइविंग लाइसेंस को भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में।